हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दो नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे दो नंबर के कान्हा जी की चोली है और दो नंबर के कान्हा जी की चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप वहाँ जाके इसे बना सकती हैं। मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू की तरफ आ गई। यहीं से मैं घेरा बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले हम तीन चैन बनाएंगे। तीन चैन की एक डबल क्रोशिया हो जाएगी हमारी। आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, इसी चैन के अंदर एक बार और बनाएंगे। यहाँ पे हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, इसी चैन के अंदर हम एक बार और बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो गए। फिर से आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, इसी चैन के अंदर हम एक बार और बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से घेरा के लास्ट में आ गई। सभी चैन के अंदर मैंने दो दो बार डबल क्रोशिया बनाया है। थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। यहाँ पे एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। और दूसरा कलर जोड़ेंगे। एक दो चैन, ये हमारी थ्री चैन हो गई। एक डबल क्रोशिया हो गई, इसी में आप डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया ऐसे पूरा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे दो फंदे, इसी में फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमारी तीन डबल क्रोशिया हो गई, तीन फंदे। अब इन्हें हम एक साथ निकालेंगे। एक दो चैन, इसी चैन के अंदर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसे पूरा नहीं बनाएंगे। यहाँ पर दो फंदे हो गए, इसी में एक बार और बनाएंगे, तीन फंदे हो गए, एक बार और बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया हो गई हमारी। यहाँ पर चार फंदे, चार का एक करेंगे। एक दो चैन, दो चैन बनाने के बाद यहाँ पर एक दो तीन चैन छोड़ेंगे। चौथी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से पूरा नहीं बनाएंगे इसे। यहाँ पर दो फंदे, इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन फंदे हो गए, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया हो गए, एक दो तीन चार फंदे हो गए, चार का एक करेंगे। फिर दो चैन, इसी में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो ये तीन डबल क्रोशिया को पूरा नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हमारे चार फंदे हो गए, चार का एक करेंगे। फिर से दो चैन, एक दो तीन चैन छोड़ेंगे। चौथी वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से पूरा नहीं बनाएंगे। तरह से यहाँ पर तीन फंदे, अब फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे चार फंदे हो गए, चार का एक करेंगे, एक दो चैन, फिर से इसी में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम घेरा के लास्ट में आए और यहाँ पर मैंने दो चैन बना ली। एक दो तीन चैन बची। अब यहाँ पर ये इसमें हम जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस चैन, दस चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे ये दूसरा पफ है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये दस चैन हो गई। अब यहाँ पर ये पहला पफ है, यहाँ पर जोड़ेंगे शुरू में इस तरह से। फिर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये दस चैन हो गई।
ये पहला पफ है। अब हम यहाँ पे दूसरे वाले पफ में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर से 10 चैन या इस वाले में जोड़ेंगे पहले वाले पे, फिर 10 चैन बनाएंगे इस वाले में जोड़ेंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से घेरा के लास्ट में आ गए और मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे पहले चैन बनाई थी, इसी में हम पफ के अंदर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। एक चैन बनाकर अब इसे हम काट लेंगे। डिजाइन इस तरह से बन के आई है हमारी। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। दूसरा कलर हम यहाँ पे चैन बनाई थी, यहाँ पे 2 चैन और यहाँ पे बनाई थी, इसमें हम जोड़ेंगे इस तरह से। ये चैन है हमारी पफ के बीच में जो बनाई थी। इस तरह से यहाँ पे 1 2 चैन, ये 3 चैन हो गई। यहाँ पे ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। अब इसी चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार और एक हमारी 3 चैन की डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमारी 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब इस चैन के यहाँ पर चैन बनाई थी 2 इस वाली में, इसे हम अपनी तरफ करेंगे 10 चैन को। इसे यहाँ पे चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर से अब यहाँ पे ये पफ के बीच में चैन बनाई थी, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे अपनी तरफ करेंगे चैन को, इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 और 5। इससे मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तरह से हम घेरा के लास्ट में पहुंच गए। यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पे 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ पे 3 चैन की 1 डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली के ऊपर डबल क्रोशिया, आगे वाली के ऊपर डबल क्रोशिया, यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गई, ये हमारी 5 डबल क्रोशिया। फिर से पहली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया, चार और 5। अब हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से घेरा के लास्ट में आ गए और यहाँ पे 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इसे इस तरह से, और एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। तरह से आया कुछ डिजाइन हमारा। अब ये वाली यहाँ पे हम पहले से लॉक कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे ये 5 डबल क्रोशिया बनाई थी,
तीसरी वाली में हम निकालेंगे इस तरह से चैन, पहले चैन लेंगे और फिर यहाँ पर तीसरी वाली में से निकालेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे हम मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसके बीच में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह डबल क्रोशिया, तो ये हमारी 7 डबल क्रोशिया हो गई। यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो गई, फिर से हम यहाँ पे इस चेन को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया इधर छोड़ेंगे और 2 इधर तीसरी वाली में। यहाँ पे ये तीसरी वाली डबल क्रोशिया है, इसमें से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और फिर से यहाँ पे ये यहाँ से शुरुआत करी थी 5 डबल क्रोशिया की, ये पहली डबल क्रोशिया। और यहाँ पे आप चेन भी ले सकती हैं, मैंने यहाँ पे चेन नहीं लिए, यहीं पे आप डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात, 7 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम यहाँ पे इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से एक दो तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से यहाँ पे हम ये वाली डबल क्रोशिया है यहाँ पे जगह वाली, इस तरह से इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पांच छः ये 7, 7 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम इस चैन को उठाएंगे और यहाँ पर 2 चैन छोड़ेंगे, एक दो तीसरी वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से यहाँ पर यहाँ से ये शुरुआत है 5 डबल क्रोशिया की, इसके बीच में यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया खत्म हुई थी ये वाली, इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम घेरा के लास्ट में आ गए और यहाँ पे मैंने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। इस चैन को उठाएंगे और यहाँ पे हम 2 चैन छोड़ेंगे, यहाँ पे ये 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, 2 चैन छोड़ेंगे, तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। और यहाँ पे ये 5 डबल क्रोशिया के बीच में ये गैप है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः, 6 डबल क्रोशिया हो गई, 7 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे जोड़ा था, अब इसी में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे एक बार इस तरह से। स्लिप स्टिच से और यहाँ पे एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। पीछे की तरफ इसे सेट कर देंगे। इस तरह से ये हमारे 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई। इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं, छोटा बड़ा। मेरी वीडियो में ये समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।